Welcome to आज हम बात करने वाले कपास के अंदर लगने वाले मुख्य खेत गुलाबी सु के बारे में इसकी लाइफ uh, साइकिल की बात करें तो इसकी लाइफ छह रिश्ते में पूरी होती है सबसे पहले एग उसके बाद लारवा उसके बाद पीपा और सबसे लास्ट होती है अडल्ट ये सबसे मुख्य कीट होता है कपास के अंदर जो हर किसान को जो कपास की खेती करते हैं उनको ये समस्या देखने को मिलती है तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उसके अंदर पहले से मैनेजमेंट कैसे करें और उसको कैसे रोका जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने क्रॉप रोटेशन यानी कि फसल चक्र तो फसल चक्र के अंदर कैसा होता है कि जिस आपने जिस खेत में अगले साल आपने कपास लगाया तो उस खेत में आप कपास न लगा के दूसरे खेत में लगाए उस खेत में आप गहरी जुताई करके उसको तैयार कर दें दूसरे हम बात करेंगे सबसे मेन है फैरामोन ट्रॉप यानी कि फैराम ट्रॉप ऐसा है जिसके अंदर आप लगाओगे उसे खेत के अंदर तो उससे क्या होगा कि अपना जो नर पतंग होते अडल्ट होते वो उसकी तरफ एट्रैक होकर उसके अंदर फंस जाते जिससे मादा पतंग की संख्या बढ़ेगी तो जिससे क्या है ज़्यादा नुकसान नहीं होगा बिल्कुल कंट्रोल में होगा और थर्ड की बात करें तो यानी बाउंड्री क्रॉप यानी हैं, कि आपके जो कपास लगाते हो उसके चारों तरफ जैसे ऐसे उसकी ट्रैप क्रॉप लगा दे जैसे कि अपने कपास की तरफ लगा सकते हो मेरीगोल्ड यानी गेंदा है अरंडी है जिससे कि मेन फसल को नुकसान ना पहुँचा के ये उसकी जो बाउंड्री क्रॉप है उसको कोई नुकसान पहुंचा है चौथी बात करें तो ये आते लाइट ट्रैप यानी कि लाइट ट्रैप क्यों लगाती है क्योंकि गुलाबी जो चुंडी होती है वो रात को सबसे ज़्यादा अटैक करती है तो इसके अंदर आप लाइट ट्रैप का भी यूज कर सकते हो और पाँचवीं अगर आप यूज करना चाहिए तो ट्राइकोक कार्ड करके आता है ट्राइकोक कार्ड भी आप यूज कर सकते हैं जिससे कई मात्रा में आपको उसका कीट को आप कंट्रोल कर सकते हैं और सबसे मेन तरीका है अपना केमिकल कीटनाशक कीटनाशक में आप कौन कौन से यूज ले सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले अपना नागार्जुन कंपनी का प्रोपेक्स सुपर आता है जिसके अंदर प्रोपेनो प्लस साइपर मेथेनाते हैं उसके आपको तीस एम पर पम्प के हिसाब से डोज लेनी है सेकेंड प्रोडक्ट की बात करें तो इमामैक्टिन आता है पाँच परसेंट वाला उसका आपको दस से बारह ग्राम पर पंद्रह लीटर पंप के अंदर डाल के स्प्रे करना है एंड थर्ड बात करें तो अपना एक कोराजन आता है एफ का तो कोराजन को भी सात एम एल पोअर पम्प के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं एंड इसके अलावा अगर बात करें तो बायर कंपनी का फैम आता है इसके अलावा अगर आप बात करें ट्रेसर आता है ये सब आप कीटनाशक इसके अंदर आप यूज़ ले सकते हैं जिससे कि होने वाली गुलाबी संडी का आप प्रकोप रोक सकते हैं अब आप अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करें कि होने वाले कपास के अंदर जब फूल फाल के स्टेज पर आ जाता है तो उसके अंदर ऐसा क्या लगा है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसमें ट्रिलिंग निकले उसमें बॉल निकले तो उसके बारे में बात करेगी धन्यवाद